नमस्ते किसान भाइयों, मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम खास जानकारी देंगे कि अक्टूबर माह में एक नहीं, पांच नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा सब्जी वर्गीय फसल लगाई जाती है। क्या आप जानते हैं यह 10 फसल से आप कितनी कमाई कर सकते हैं? यह वीडियो पूरा देखिए क्योंकि यह वीडियो में हम अक्टूबर माह में लगने वाली फसल की पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली फसल है मटर। जी हाँ, अक्टूबर महीने में सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस समय हरी मटर की खेती करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि हरी मटर कितने दिन में तैयार होगी, तो बुवाई के 70 से 80 दिन के अंदर अलग अलग किस्मों के अनुसार मटर का उत्पादन शुरू हो जाता है। यहाँ भी आपको यह ध्यान देना है कि आप ऐसे किस्म का चुनाव न करें जो कि बहुत देरी से उत्पादन देती हो। अगर आप हरी मटर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो, तो आपको ऐसी किस्म का चुनाव करना चाहिए जो कि कम समय में उत्पादन दे और उसके साथ एक एकड़ में मटर का 30 से 32 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिले। अगली फसल है आलू। जी हाँ, अक्टूबर महीने में आपके पास काफी अच्छा मौका है कि आप आलू की खेती कर सकते हैं। अगर आप अक्टूबर के पहले हफ्ते में कच्ची आलू लगाते हैं, तो किसान भाइयों दिसंबर के पहले हफ्ते में उत्पादन शुरू हो जाएगा और एक एकड़ में आपको 100 से 120 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा। और अगर आप अगेती आलू की खेती करते हैं, तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। उसके साथ अगर आप बाद में चाहते हैं, तो गेहूं की भी बुवाई कर सकते हैं। आलू में 70 से 75 दिन के अंदर खुदाई शुरू हो जाती है। अगली फसल है गाजर। गाजर की खेती हम अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। अलग अलग किस्मों के अनुसार गाजर 70 से 90 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसी वैरायटी चुनाव करते हो जो कि 120 से 130 दिन का समय लेती है, तो वह आपको उत्पादन तो काफी अच्छा देगी, लेकिन समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। गाजर की फसल 80 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और एक एकड़ में आपको 100 से 120 क्विंटल तक का काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अगली फसल है पत्ता गोभी और फूल गोभी। आपको सवाल होगा कि फूल गोभी और पत्ता गोभी लगाते हो तो कितने दिन में तैयार होगा? फूल गोभी लगभग 60 दिन में कटाई देना शुरू कर देगी और जो पत्ता गोभी है वह 75 दिन तक का समय लेगी। और अगर आप नर्सरी नहीं डाली हुई है, तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी फसलों की जो कि कम समय में काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। उनमें से जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है धनिया। धनिया की खेती से 35 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है और अगर आप इस समय धनिया लगाते हो, तो मुनाफा काफी ज्यादा अच्छा होगा और कोई स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी धनिया समय पर तैयार हो जाएगी। इस समय अगर आप धनिया की खेती करने जा रहे हैं, तो आपको एक एकड़ में लगभग 4 से 5 किलो बीज की जरूरत रहेगी और एक बार बुवाई करके आप 2 से 3 कटाई ले पाए और 2 से 3 कटाई के दौरान आप एक एकड़ में लगभग 80 से 100 क्विंटल तक का उत्पादन ले पाएंगे और आप यहाँ से काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अगली फसल है मूली। मूली की बुवाई के 40 से 45 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी और एक एकड़ में लगभग 120 से 150 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिल सकता है। आपको मूली की खेती को बेड़ विधि से करनी चाहिए। हमारी अगली फसल है पालक। पालक की खेती अक्टूबर के महीने में अगर आप करते हो, तो ज्यादा खाद के बिना और ज्यादा स्प्रे के बिना आप आसानी से खेती कर सकते हो। एक बार बुवाई करके आप 4 से 5 कटाई ले पाएंगे। अगर आपके पास बजट कम है, तो आप मूली की खेती कर सकते हैं, पालक की खेती कर सकते हैं और इसके अलावा आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं। अगर आप इसमें मेथी की खेती करते हैं, तो एक बार बुवाई करके आप 4 से 5 कटाई ले पाएंगे और मेथी ऐसी फसल है जो कि बुवाई के केवल 25 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है। इन सभी सब्जियों का मार्केट में ज्यादा डिमांड होता है, जिससे आपको अच्छा दाम भी मिलता है और एक से ज्यादा कटाई से आप अच्छा मुनाफा भी पा सकते हो। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो, तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।